अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मौसी, हमरा हाथ मत पकड़ो। क्या हुआ जग्गू? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है ना मौसी, खराब हो जाएगी। और वैसे भी अभी जंगल में हम गिर थोड़ी ना जाएंगे। मौसी, तुम ये काहे कर रहे हो? जग्गू, ये देख, मेहंदी का रंग पहले से ही चढ़ गया और हमने ये मेहंदी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए लगाई है, छोड़ने के लिए नहीं। चल। लेकिन मौसी, तुम तो पहले मेहंदी कभी नहीं लगाती थी, बाकी हाथों से तुम पहले भी पकड़ती थी ना? हाँ मौसी, हमको सब पता है, तुम मेहंदी बाबा के बिहा के लिए लगाई हो। ये बात तुमको कैसे पता चला जग्गू? दादा ने बताया। दादा जब हवेली में आए थे ना तब। हाँ, ये मेहंदी हमने बिया के लिए लगाई है। लेकिन मौसी, जब तुम्हारा बाबा से बिया हो जाएगा तब तुम हमारी माँ बन जाओगी। लेकिन मौसी, उमा जो आसमान में तारा बनकर हमको देख रही है, उनको कितना बुरा लगेगा जब हम तुमको माँ बुलाएंगे। और फिर हमने अपनी माँ से वादा भी तो किया है, हाँ, कि हम एक दिन अपनी माँ को आसमान से सीधे जमीन पर लेकर आएंगे। जब वो यहाँ आएंगे तब तुम हमारी माँ होंगी। या ऊ पता, आसमान में तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? काहे कि वो बहुत ही दूर होते हैं, बहुत दूर। और तुम्हारी माँ को इतना लंबा सफर तय करने में समय तो लगेगा ना, इसलिए तुम्हारी माँ ने हमसे कहा है कि जब तक हम जमीन पे नहीं आ जाते तब तक तुम जग्गू की माँ बनके उसका ख्याल रखना। सच मौसी, तब तो ठीक है। अच्छा मौसी, एक सच्ची बात बताए, तुम्हारी ये मेहंदी बहुत ही सुंदर लग रही है। तनिक मुस्कुरा भी दे, कोई पकड़ुआ ब्याह थोड़ी ना हो रहा है, सब राजी खुशी से हो रहा है ना। हाँ बाबा। जग्गू, हमारी बच्ची, आजा बेटा, हमारी बच्ची। बाबा, आज हमरा मड़ई कितना साफ और चकाचक लग रहा है ना। इले, तू अपने बाबा को कंघी कर, तनिक हम बाकी का काम निपटा लेते। ले कर। बाबा, जब भी दादी इतना प्यार से बोलती है कितना अच्छा लगता है ना। आपके ब्याह के लिए इतना सब तैयारी हो रहा है का? चकू बेटा, चिंता मत करना, बिहा के बाद ना कुछ नहीं बदलेगा। बिद्दी मौसी से बिहा कर रहे हैं काहे कि तुझ पर कोई विपदा ना है बेटा। बाबा, हम काहे चिंता करेंगे? बिंदी मौसी ने तो हमको खुद बताया कि वो जो हमारी माँ है ना, उन्होंने उन्हें खुद बोला कि तुम जग्गू की माँ बन जाओ। मैं आपको बिना बताया आ गया, मुझे जग्गू को सॉरी बोलना है और उसे अपने बिहेवियर के लिए भी सॉरी बोलना है।
ऐसी बसे कितनी सुंदर लग रही है ना। सुना है इंतजार का फल मीठा होता है बिंदी, हमको भी बताना बिंदी तुम्हारे इंतजार का फल कैसा था। अरे मुस्की दवा खा ही रही है बिंदी। तेरी चौवनिया जैसी मुस्कान दिखा तो सही। अरे सारा बस्ती जानता है तुम्हारी आंखों में हरीश के लिए कितना प्यार है, और अब जब ब्याह हो रहा है तो काहे नहीं मुस्कुरा रही है, जरा हंस दे। बाकी लोग का तो पता नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अब इस ब्याह का एक ही मकसद है, कैसे भी करके जग्गू को सुरक्षित रखना। ब्याह होगा ना तो हम भी तुमको ऐसे ही हल्दी लगाएंगे, ठीक है? क्या हुआ कुचोरी, तुमसे उदास का है, फिर कुछ हो गया है का? अब हम दोनों ना जब चाहे तब साथ मिलकर जलेबियां नहीं खा पाएंगे जग्गू। काहे, यहाँ बस्ती में बड़की मालकिनी थोड़ी ना है जो हमको खाने ना दे। तू बहुत सीधी है जग्गू, तुझको पता है बिंदी मौसी अब तुम्हारी माँ नहीं, सौतेली माँ बन जाएगी। सौतेली माँ? वो कैसी माँ होती है? जब दूसरी माँ घर पर लाती है ना तब उसको सौतेली माँ कहते हैं। तो क्या हो गया ना, घर में अम्मा को कहते हुए सुना है सौतेली अम्मा बहुत बुली होती है, ठीक से खाना पीना भी नहीं देती है, ऊपर से पिटाई भी कर देती है। लेकिन हमारी बिंदी मौसी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यार करती है हमसे। सौतेली अम्मा बन के ना सब प्यार वाला खत्म हो जाता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।